नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर दीपक चौधरी। आज हम देखने वाले हैं कि मलद्वार में कैंसर कब होता है, कैंसर क्या है। जनरली हमारे मलमार्ग में तीन टाइप का डिसीज रहता है, तीन टाइप का बीमारी रहती है, जिसमें पहला है फिशर। फिशर यानी क्या? अंदर कट लगना या चेरा होना। जिस पेशेंट को बार बार मोशन में कड़क हो रहा है, कब्ज हो रहा है, उनको फिशर बनता है। क्योंकि जब भी सख्त मल वहाँ से निकलता है हमारे एनल कैनल से, तो वहाँ पे घाव करके वो जो मल निकलता है, जिसे हम फिशर कहते हैं। दूसरा रहता है बवासीर। बवासीर में मलमार्ग के अंदर और बाहर मस्से रहते हैं। और तीसरा रहता है भगंदर। भगंदर यानी क्या कि हमारे मलमार्ग के साइड में एक फोड़ा बनता है, उसमें से पिप निकलता है, मवाद निकलता है। कभी कभी मलद्वार में कैंसर भी होता है। मैं मेरे पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको मलमार्ग में कोई भी तकलीफ है, यानी ब्लीडिंग हो रहा है, या वहाँ पे मस्से बन रहे हैं, या खुजली है, कोई भी अगर लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप किसी भी एक्सपर्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट यानी जो मूलव्याध भगंदर तज्ञ है, उसको आपको दिखाना है। बहुत बार क्या होता है कि ये जो पेशेंट्स रहते हैं वो शर्माते हैं चेकअप करने के लिए, खासकर फीमेल पेशेंट। लेकिन कभी कभी ये आपको समझना है कि कभी कभी हमारे मलमार्ग में कैंसर भी होता है। अब देखते हैं इनके लक्षणों के बारे में। अगर आपके मलद्वार में कैंसर है यानी सीए है, तो बहुत बार पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग होता है, यानी पिचकारी जैसा ब्लीडिंग होता है, या कभी कभी ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लीडिंग होता है। पेशेंट काफ़ी दर्द सहन करते हैं। पेशेंट बोलता है कि सर मोशन के बाद में बहुत दर्द होता है, खुजली होती है, इचिंग होती है हमारे पेरिनल एरिया में, यानी हमारा जो मलमार्ग है उसके साइड में या अंदर खुजली जैसा लगता है। क्योंकि ये जो कैंसर का गांठ रहता है, वहाँ पे गांठ बनती है कैंसर की, और कैंसर की गांठ होने की वजह से मल में रुकावट पैदा होती है। पेशेंट को मोशन करते टाइम बहुत जोर लगाना पड़ता है, वहाँ पे गांठ उत्पन्न होती है। जनरली कैंसर का दो टाइप का कैंसर रहता है वहाँ पे हमारे मलमार्ग में। एक रहता है एडेनोकार्सिनोमा और दूसरा रहता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। वहाँ पे गांठ बनती है जिससे हमारा मलमार्ग ब्लॉक होता है, जिससे पेशेंट को काफ़ी सारी तकलीफ होती है। हर एक टाइम सुबह जब भी उठते हैं, मोशन करते समय बहुत जोर लगाना पड़ता है। अभी आप बोलोगे कि सर हमको इसका निदान कैसे करना है, इसका हमको डायग्नोसिस कैसे करना है। तो पहली बात तो क्या है कि जब भी आप कोई भी एक्सपर्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो प्रोक्टोलॉजिस्ट आपका गुदा परीक्षण करता है। यानी क्या कि वहाँ पे प्रोटोस्कोपी करता है, एक दूरबीन डाल के देखता है कि अंदर क्या है। वहाँ पे सर्जन जब भी पर रेक्टल एग्जामिनेशन करता है, यानी उंगली डाल के जब भी परीक्षण करता है, तभी सर्जन को एकदम कड़क गांठ जैसा लगता है। बाद में उसका डॉक्टर अगर शक लगता है कि ये कैंसर की गांठ है, तो उसका बायोप्सी करता है, कभी कभी स्कोपी करता है, जिसे हम सिग्मोइडोस्कोपी भी कहते हैं। जैसे हम एंडोस्कोपी करते हैं, तो वैसा हमारे मलमार्ग से अंदर सिग्मोइड कोलन तक एक स्कोपी करते हैं, जिसे बोलते हैं सिग्मोइडोस्कोपी। अभी इसमें क्या होता है कि आपका जो गुदा का परीक्षण होता है सिग्मोइड कोलन तक, यानी उसमें एनल कैनल दिखाई देता है, बाद में रेक्टम और सिग्मोइड कोलन। तो सिग्मोइड कोलन तक कोई गांठ है क्या, कोई कैंसर की गांठ है क्या, तो वो आप समझता है सिग्मोइडोस्कोपी से। बाद में कोई कोई MRI सिटी स्कैन बोलते हैं कि MRI सिटी स्कैन से भी वो जो कैंसर का डायग्नोसिस होता है। कभी कभी ट्रांस एनल अल्ट्रासाउंड, यानी जिसे हम सादा सोनोग्राफी बोलते हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, जिससे कैंसर का डिटेक्ट कोई गांठ उसमें दिखती है। अभी आप बोलोगे कि सर ठीक है, एक तो निदान हो गया, अभी इसका जो निदान कैसे करना है, उसका टेस्ट हो गया, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में पहली बात से क्या है कि अगर उसमें गांठ रहता है जो गांठ, तो पहली बात तो एक्सीजन कि बहुत बार सर्जन जो गांठ रहता है वो पूरा कट करके निकाल देते हैं, क्योंकि कट करके निकाल देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो फैलता है। और दूसरी बात कि इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो रेडिएशन थेरेपी, जिसे हम कीमोथेरेपी भी कहते हैं, यानी रेडिएशन से ये जो गांठ रहते हैं वो पूरे जड़ से खत्म की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो गांठ है, ये जो कैंसर है, ये दूसरी जगह नहीं फैले, इसके लिए कीमोथेरेपी किया जाता है। उसका सेटिंग रहता है, आपको 3 महीना, 6 महीना या 9 महीना कीमोथेरेपी लेना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मोशन के बाद में कुछ दर्द है, ब्लीडिंग है, या कुछ कैंसर का आपको खतरा लग रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9820703498। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, अभी हमने क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया हमने हमारे 22 लेजर के तकरीबन 70+ ब्रांचेस ओपन किए हैं। अगर आप कोई भी सिटी में हैं, अगर आप इंडिया में कोई भी सिटीज में हैं, कोई विलेज में हैं, तो आपके नज़दीकी बड़े शहर में हमने हमारा ब्रांच ओपन किया है।
तो सेम ट्रीटमेंट कि जो मैं यहाँ पे मुंबई में करता हूँ, सेम ट्रीटमेंट आपको हमारे ब्रांच में मिल जाएगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपका कुछ भी मेडिक्लेम है यानी इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो अभी हमने हमारे हर एक ब्रांच में जो कैशलेस की सुविधा भी हमने अवेलेबल किया है, यानी अगर आपका कोई भी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी है, तो ये जो ट्रीटमेंट है ये पूरी तरह आपको फ्री हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने क्या किया है कि हर एक जगह में फ्री कंसल्टिंग हमने अवेलेबल किया है, यानी आपको ओपीडी के बेसिस पे कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और तीसरी बात, ऐसे भी पेशेंट मुझे कमेंट्स करते हैं, सर ना तो हमारा मेडिक्लेम है ना तो मेरे पास कुछ पैसा है, तो उनके लिए भी हमने ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई सिस्टम, यानी आप हर महीना 2,000-3,000 देकर भी ये जो बवासीर, पाइल्स या फिशर या फिस्टुला, इसके ऊपर लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।